टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अब बाजार पर टेक्निकल पिक्स क्या हैं वो जान लेते हैं। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमारी तीन पिक्स रहेगी, तीनों बाई साइड रहेगी। हमारा कॉल ऑफ द डे बालकृष्ण इंडस्ट्री रहेगा। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लोअर टाइम फ्रेम भी अच्छे ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री 1940 के आसपास हम लॉन्ग करके चलेंगे, 1990 का हमारा टारगेट रहेगा, 1914 एज ए स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेट्रोपोलिस रहेगा, मेट्रोपोलिस के ऊपर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। 1580 के आसपास की क्लोजिंग थी, ये लॉन्ग करके जाएंगे हम। 1630 तक का हमारा टारगेट है और 1550 एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और लास्ट जो कॉल रहेगा वो सनफार्मा है, सनफार्मा में भी हम देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है और डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज एन कंटिन्यू पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सनफार्मा 955 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 989 का हमारा टारगेट है एंड 929 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पैनल में मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ आपसे समझना चाहेंगे, आपकी तरफ से भी आज के ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। जी हाँ, जस्ट बिफोर दैट पूजा मानसी, आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। एंड ऑन लाइटर नोट, मुझसे तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं यू नो फास्टिंग होती है, दैट इज व्हाट आई कॉल फास्टिंग, बट जो आप कर रहे हैं दैट इज यू नो एब्सोल्युटली कमेंडेबल। सो यू नो ऑल द बेस्ट विशेस एंड कूडोस टू यू ऑन दैट। देखिए मेरे दो पिक्स हैं आज। पूजा कर रही है करवा चौथ यहाँ पर, सॉरी सिर्फ पूजा कर रही है आज करवा चौथ। ओके, पूजा सारी सारी कॉम्प्लीमेंट्स मानसी वाली भी आपको यू नो पोस्ट सेंड टू यू आई सपोज, राइट? जी हां, देखिए मेरे दो पिक्स हैं। दूसरा है, पहला है त्रिवेणी टर्बाइन। ये स्टॉक हमने पहले मिड अगस्त में डिस्कस किया था अराउंड 200 लेवल्स, आज स्टॉक करीब 260 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। In all kinds of market scenario, this stock has shown its strength one way, you know, ऊपर गया है। Positionally, इसका काफी, you know, और बड़ा target है। But मैं कहूँगा अभी भी short term के हिसाब से, trading के लिहाज से अगर कोई लेना चाहे तो 280 के target से लीजिए। 260 जो levels हैं ये आपके लिए as a stop loss act करेंगे। But जैसा मैंने बताया, positionally आप hold करेंगे तो इसमें 325-330 के levels भी आ सकते हैं। जो मेरा दूसरा pick है, that is, you know, Jyoti Labs। Now this stock also has been doing fairly well। इसमें momentum बहुत strong है और जहां पे इसके हम you know कुछ setups देख रहे हैं, this is suggesting कि यहां पे stock और ऊपर जा सकता है। जहां पे you know करीब 215 के जो levels हैं, यहां पे एक intermediate resistance है, but that is still a good you know 3-4% away, a little more than that। तो यहां पे आप 215 के target के लिए Jyoti Labs buy कर सकते हैं, 198 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा, इट्स नॉट अ कॉल टुडे, किर्लोस्कर ऑयल हमने कल डिस्कस किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 275। स्टॉक में एक मोमेंटम आया है, स्टॉक 280-285 के लेवल्स तक गया था। अगर पोजिशनली आप होल्ड कर रहे हैं तो इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। दिस स्टॉक विल सी यू नो लेवल्स ऑफ 350 टू यू नो 365, लेकिन ये आपको पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा। सो दैट्स जस्ट एन अपडेट। कुछ हम और आप 185 रुपीज से इसको ट्रैक कर रहे हैं और ये यहाँ पे स्टोरी टेलर चेंज हो गया है और स्टोरी भी चेंज हो रही है। 8-9 साल के बाद, आई थिंक 10 साल के बाद उन्होंने एक एनालिस्ट डे किया था, 185 का भाव था। किर्लोस्कर फेरिस सबसे पहले चलना शुरू हुआ था, उसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन चलना शुरू हुआ, 185 वाला आज 285 और 365 के टारगेट आ रहे हैं। एक बार किर्लोस्कर फेरिस भी लेके आइए, वो पहले फैमिली का स्टॉक है क्योंकि 3-4-5 कंपनीज हैं लिस्टेड। ये 6 महीने का है, 1 साल का दिखाइए डॉक्टर साहब, 250 वाला 360, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 साल वाला लेके आइए डॉक्टर साहब। नीचे में ये, हाँ वही 250 वाला, ऑलमोस्ट 400 जा चुका है टॉप में। सो अजय, लाइक यू से, इधर द स्टोरी चेंजेस और स्टोरी टेलर चेंजेस, दोनों चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है ऑयल इंजन में। पिछले 5 सेशंस में करीब 20% के अप मूव्स है, सो गुड कॉल। ये बाइंग आ रही है उसके अंदर, फंड बाइंग है ये, और ये इसीलिए खराब बाजार हो ठीक बाजार हो, जहां माल मिल रहा है कोई जमा कर रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है। यही कुछ ही बोल रहे हैं। वैशाली से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, आपकी लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज किस तरफ है आज? तो मेरी बाइंग की स्ट्रेटजीज है सब स्टॉक्स में। फ्रंटलाइन में मैं फर्स्ट कॉल दूंगी, एक तो टाटा कंज्यूमर काफी करेक्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, टेक्निकली 740 का एक बेस बन चुका है। सो आई वुड आस्क टू रेकमेंड, आई मीन टू बाय एट दिस लेवल्स, तो पोजिशनल टारगेट रहेगा 770 टू 780 लेवल्स। सो ये एक स्टॉक मुझे सही लग रहा है। दूसरा है डीएलएफ,
जो वो भी करेक्टिव मूव के बाद एक स्टेबिलिटी दिख रही है 360 लेवल्स पे. सो ये लेवल पे मैं बाय रेकमेंड करूंगी फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 380. और मिड कैप में मेरे दो स्टॉक्स है, एक तो है KPIT टेक्नोलॉजी, जो हमने कल देखा कि ट्रेंड तो अपसाइड का है ही और एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम की शुरुआत हुई है. सो 640 के सपोर्ट के साथ ये मैं स्टॉक फिलहाल रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 720. और दूसरा हमारा एक पोजिशनल ट्रेड है जुबिलेंट इनग्रेविया. Jubilant Ingrevia also doing very well, 520 के support के साथ 620 का target. IT